आप देख रहे हैं मीडिया विजन न्यूज चैनल। हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। दिल्ली की राजनीतिक गतिविधियों से इतर बड़ी संख्या में मंदिर के पुजारियों ने दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के घर के बाहर धरना प्रदर्शन किया। दरअसल ये पुजारी वेतन की मांग को लेकर धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। पुजारियों की इस मांग का बीजेपी के द्वारा समर्थन किया जा रहा है। दिल्ली में मंदिर के पुजारियों के साथ भेदभाव हो रहा है। मस्जिद के जो मौलवी होते हैं उनको महीना दे रही है दिल्ली सरकार, तो पुजारियों ने कौन सा पाप किया है? ये धर्म संविधान सबको एक समान अधिकार देता है, फिर ये अरविंद केजरीवाल मंदिर के पुजारियों के साथ अन्याय कैसे कर सकते हैं? तो कहते हैं कि दर्द जब हद से गुजर जाता है तो जन सैलाब सड़क पे उतर जाता है। हम इस भावना का बीजेपी समर्थन कर रही है। मंदिर के पुजारियों ने इस धरना प्रदर्शन में भाजपा पुजारी प्रकोष्ठ के लोग बड़ी संख्या में शामिल हुए। उनका कहना है कि दिल्ली सरकार मंदिर के पुजारियों के साथ भेदभाव कर रही है। इमामों को, उनके सहायकों को 40,000 रुपया हर महीने वेतन दे सकती है, तो दिल्ली में जितने भी मंदिर हैं उनके पुजारियों को भी हर महीने 40,000 रुपया वेतन दिया जाए, ये मांग हमने दिल्ली विधानसभा के अंदर उठाई है। और भाजपा के सभी विधायक इस मांग को तब तक उठाते रहेंगे जब तक अरविंद केजरीवाल की सरकार पुजारियों को, जिस तरह से वो इमामों को हर महीने 40,000 रुपए वेतन के रूप में दे रहे हैं, जब तक पुजारियों के लिए भी ये व्यवस्था नहीं कर दी जाएगी, दिल्ली प्रदेश भारतीय जनता पार्टी के सभी विधायक विधानसभा के अंदर भी, विधानसभा के बाहर भी पुजारियों के समर्थन में इस मांग को पूरी मजबूती के साथ उठाते रहेंगे। इस देश में सभी लोग एक समान हैं, ये केजरीवाल ने कहा है अपने ट्विटर हैंडल पर। खोलना केजरीवाल का ट्विटर हैंडल। सभी लोग, सभी धर्म, सभी जाति एक समान है। जब एक समान है और मौलवियों को, मुजाहिदों को, अजान लगाने वाले को सैलरी 18-16,000 रुपए, 40,000 रुपए, तो मंदिर के पुजारी को क्यों नहीं, गुरुद्वारा के ग्रंथी को क्यों नहीं, उनको क्यों नहीं दी जाती? तो इसीलिए यही मनमोहन सिंह ने कहा था कि देश के संसाधनों पर सबसे बड़ा अधिकार, ये मनमोहन सिंह जी ने कहा था। अब सिंह वो हो जा, कांग्रेस कहाँ चली गई, कांग्रेस कहाँ चली गई? केजरी दिल्ली के लगभग 16,000-17,000 मौलवियों को उनके मस्जिदों में सैलरी दी जाती है, पिछले 3 साल से दी जा रही है। लगभग 8-9 करोड़ रुपया बांटा जाता है और मंदिर के पुजारी को फिर क्यों नहीं है? और आप अपने ट्विटर हैंडल पर लिख रहे हो, आपने लिखा है जी, आप उनका ट्विटर हैंडल खोलिए केजरीवाल का और उसमें देखिए क्या लिखा हुआ है। तो ये देश के 125 करोड़ लोगों को गुमराह करने के लिए लिखा हुआ आपने कि सभी जाति, सभी धर्म एक समान है, सभी मनुष्य एक समान है। जब एक समान है तो मंदिर को पुजारी को सैलरी क्यों नहीं? दिल्ली सरकार मंदिर के इमामों को सैलरी देती है, यही वजह है कि मौलवियों के साथ साथ मंदिर के पुजारियों और गुरुद्वारे के ग्रंथियों को भी मासिक वेतन देने की मांग उठती रहती है।